पार्ट्स आप लोग अच्छे से बहुत ठीक होंगे। देखिए इसमें होगा क्या, बस इसके पार्ट्स का नाम और इसका फंक्शन हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी सारा चीज़ आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें इस वाले हिस्से को हम लोग, यह हमारा जो हिस्सा होता है इसको पैनिस कहा जाता है, आउटर जो कवरिंग होती है उसको पैनिस कहा जाता है। इसमें ये जो होता है इसको यूरेथ्रा कहते हैं, जिससे यूरिनरी ब्लड मतलब यूरिन और यस स्पर्म दोनों सीक्रेट होते हैं। ये होता है वेस्ट डिफरेंस होता है, इसका काम क्या होता है, सेमिनल वेसल्स क्या होता है, रेक्टम क्या होता है, वो जो हमारे वेस्ट पर वेस्ट मटेरियल को क्या करता है बाहर निकालता है, ठीक है। एनस जो होता है वो उसका जो होता है ग्लास समझ लीजिए या और गेट समझ लीजिए, वो होता है एनस। और ये प्रोस्टेट क्या होता है, वो भी एक तरह से क्या बोलते हैं स्पर्म के रिलीजिंग में या स्पर्म के रिलीज होने में हेल्प करता है, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होता है, ये बस इसको होल्ड करने के लिए सपोर्ट करता है और इसे अटैच रहता है, इसके थ्रू स्पर्म इसे ट्रैवल करता है, मूव करता है। और ये स्कॉट्रम होता है, और ये भी बताएंगे ये जो स्कॉट्रम वाला जो पोर्शन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारे बॉडी ऑर्गन से बाहर क्यों रहता है, ये हमारे बॉडी हमारे पूरा बॉडी है, ये तो हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकता था, लेकिन हमारे बॉडी के बाहर क्यों, पेनिस नीचे क्यों मतलब हैंगिंग क्यों करते रहते हैं, लटकते हुए क्यों रहता है, इसका भी रीजन होता है। इसका मेन कारण क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है आपको पता है, 37.5 अप्रॉक्सीमेट 37 डिग्री सेल्सियस। बट ये जो है तभी क्या बोलते हैं स्पर्म प्रोड्यूस कर पाएगा, यही स्पर्म प्रोड्यूस करता है। जो टेस्टिस होते हैं, जो इसमें टेस्टिस पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, ठीक है ना, ये तभी स्पर्म प्रोड्यूस कर पाएंगे जब टेम्परेचर क्या हो, बिलो हो 37 से। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि बॉडी टेम्परेचर के, अगर बॉडी से अटैच रहेगा नहीं ये, तो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से अगर इसको टेम्परेचर दिया जाएगा तो उस कंडीशन में ये स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करता है, इसको कम टेम्परेचर चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि ये काम कैसे करता है, स्कॉट्रम क्या है, ये सारा चीज ये पार्ट से तो पार्ट आप लोग को दिख गया। अब होता क्या, अब देखिएगा पहला पार्ट इसमें आ जाता है स्कॉट्रम, नीचे फैला की तरफ रखा रहता है, उसका जो बाहरी कवरिंग जो एरिया होता है ना उसको हम लोग स्कॉट्रम कहते हैं, स्कॉट्रम में भी होता है फैला, ठीक है। उसके अंदर मौजूद रहता है टेस्टिस, टेस्टिस जिसको हम लोग टेस्टिस वैसे छोटी कहते हैं, ऐसे कुछ करके ऐसे बॉल की तरह होता है, और ये पेयर में होता है। ये एपिडर्मिस जो होता है, ये जो होता है इसको होल्ड करके रखता है और इसे एक वैस डिफरेंस जुड़ा रहता है, वैस डिफरेंस कहने का मतलब ये हुआ एक नस की तरह जुड़ा रहता है, तो ये होता है। अब टेस्टिस का काम क्या होता है, यह प्रोड्यूस करता है क्या, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखिएगा स्पर्म सिर्फ प्रोड्यूस करता है और कुछ नहीं, लेकिन स्पर्म जब रिलीज होता है तो उसके साथ कुछ लिक्विड भी बाहर निकलता है, वो लिक्विड कहाँ से आता है आगे जाने के, ये सिर्फ स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। और प्रोड्यूस होने के बाद से जब इसके रिलीज होने का टाइम आता है तो वो रिलीजिंग कैसे होती है, ये भी डायमेसिस इससे ज्वाइंट रहता है और इसमें से क्या होता है, ये रिलीज होते हुए बैस डिफरेंस के थ्रू यहाँ तक आते हैं, और यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लेडर होता है। इसमें क्या होता है ना, ये कैसा थैला होता है जिसमें हमारा यूरिन स्टोर होता है, ठीक है, हमारा यूरिन स्टोर होता है। देखिएगा इसमें स्टोर होते 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 बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, बहुत देर वॉशरूम आता है तो तुरंत जाके उसको खाली करते हैं, लेकिन यहाँ पे आता था देखिए यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर से नीचे आके बेस्ट डिफरेंस ज्वाइंट हो गया है, और उसी के नीचे एक यहाँ पे देखिएगा क्या दिख रहा है, सेमिनल वेसल्स दिख रहा है। इसका काम क्या होता है, यहाँ तक तो मूवमेंट हो जाती है स्पर्म, ठीक है, लेकिन स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए, स्पर्म को किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो स्पर्म में भी एनर्जी चाहिए होती है, तो उसमें भी एनर्जी होता है, प्रोटीन उसमें भी होता है, वो क्या करती है उसके जब स्ट्रक्चर को पढ़ाएंगे हम, स्पर्म के स्ट्रक्चर को समझ में आएगा, वो यहाँ तक मूव करेगी, लेकिन किसी चीज को फसकने के लिए बहने के लिए एक फ्लूइड्स चाहिए, लिक्विड की तरह चाहिए, तो वो ये सेमिनल वेसल्स जो होता है ये सीक्रेट करता है, और यहाँ से सीक्रेट करेगा तो यह क्या करेगा, इसमें ज्वाइंट हो जाएगा और यहाँ से स्पर्म जो होगा इसे फिसलते हुए यहाँ से होते हुए ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है, स्पर्म यहाँ से रिलीज हो जाएगा। पूरा केस समझ में आ गया। इसका रिएक्टर का काम क्या होता है, ये तो दूसरा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है, एनस ये दोनों हटा ही दीजिए। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये भी, ये जो होता है ना स्पर्म को प्रोटीन चाहिए होगा या न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होता है वो ये दोनों प्रोवाइड कराते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स जो है वो दोनों स्पर्म को रिलीज होने में हेल्प करते हैं। बात समझ में आ गई, पहला पॉइंट।
कि ये क्या होता है, टेस्टिस होता है जो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दूसरा स्पॉट्रम, ये थैला होता है जो टेस्टिस को होल्ड करके रखता है, यानी टेस्टिस उसमें कवर अप रहता है, ठीक है। तीसरा एपिडाइसिस, एपिडाइमिसिस जो होता है ये क्या होता है, इससे टेस्टिस से कनेक्टेड रहता है जिसके थ्रू स्पर्म जो क्या हो बाहर की तरफ रिलीज होने के लिए इस वैस डिफरेंस में जा सके। वैस डिफरेंस एक तरह का नस होता है, जब नसबंदी की जाती है, कहने का मतलब कि अगर कोई आदमी चाहता है कि अब हमारे बच्चे अगर ना हो, ठीक है, उस कंडीशन में नसबंदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो नसबंदी में क्या किया, इसी वैस डिफरेंस को काट कर इधर से जोड़ दिया जाता है, मतलब बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म तो रिलीज होता है लेकिन ये इधर नहीं जा पाता। फिर केस आ जाएगा आपके सामने ये कि सर स्पर्म बार बार, स्पर्म तो पूरा लाइफ बनते रहता है मेल में, फीमेल में अप्रॉक्सीमेट 45 और 50 एज तक स्पर्म एग से रिलीज होता है, लेकिन मेल में लाइफ टाइम उसका स्पर्म बनते रहता है। तो फिर वो स्पर्म होता क्या है, तो स्पर्म बनता है लेकिन कुछ समय बाद जब वो सीक्रेट नहीं हो पाता है, रिलीज नहीं हो पाता है, तो ऑटोमेटिक ये क्या होता है, डिकम्पोज समझ लीजिए कि वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इन नसबंदी में हम आगे पढ़ाएंगे इसको, जिसे बता देंगे, वैसे ये टॉपिक आपके बुक में नहीं है लेकिन जान लीजिए ये सारा प्रोसेस हो गया। यहाँ पे ये सीमन सेमिनल वेसल्स होता है, सेमिनल वेसल्स एक लिक्विड प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग सीमन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, सीमन के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, उस स्पर्म में मिक्स हो जाएगा और स्पर्म को फ्लूइड यानी फ्लो करने में हेल्प करेगा, और स्पर्म नदी में तैरते हुए ऐसे ही बहते हुए क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा पे जाने से, यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये पेनिस जो होता है ना, अगर आप ये समझते हैं तो पेनिस यही सब चीजें ना, बिल्कुल पेनिस जो आउटर कवरिंग जो एरिया होता है ना, ये आउटर कवर जो पोर्शन दिख रहा है यही पेनिस होता है, ठीक है ना, यही पेनिस होता है। और इसके अंदर जो एक नस होती है ना, इसी से यूरिन हमारा जो एक नंबर होता है, यूरिन बाहर निकलता है और क्या बोलते हैं, स्पर्म भी बाहर निकलता है। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, दोनों एक साथ नहीं निकल सकते, या तो यूरिन निकल रहा होगा फिर स्पर्म नहीं निकलेगा, स्पर्म निकल रहा होगा तो उस टाइम पे यूरिन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, किसी भी हाल में नहीं हो सकता। वैसे ही जैसे आप छींकते हुए आँख खोल नहीं सकते हैं, तो या फिर आँख खोल के छींके हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी क्या, दोनों एक टाइम पे नहीं, ठीक है। आगे बात समझ, जबरदस्ती के लिए कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली बात करें, नेचुरली बात करें, ये सारा चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब ये होता क्या, ये वाला पोर्शन समझ, इस वाले पोर्शन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, दोनों एक साथ पढ़ा दे रहे हैं, बाकी जो चीज है वो आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, ये जो आपको चीज दिखाई दे रही है, आपको ये वाला चीज दिखाई दे रहा है, ये क्या अनमेच्योर्ड एग्स है, ये लगभग हजारों की संख्या में होते हैं, ठीक है। और फीमेल में यह जो है 13 से 14 यानी 14-15 के एज से ये रिलीज होना शुरू होते हैं और ये लगभग 45-50 साल तक रिलीज होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये खत्म हो जाते हैं, यानी उसके बाद से जो फीमेल होती है क्या आती है, मां बनने लायक नहीं रहती। किसी किसी केस में हो जाता है कि उसमें एग्स और भी बचा रह जाता है, तो कभी कभी कोई लेडी जो होती है 60 या 65 के एज में भी प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले हर एक 28 दिन पर एक अंडा जो है मेच्योर होकर बाहर निकल जाता है। अब जैसे बाहर निकलता है ये वेजाइना होता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है, जहाँ से पेनिस इंटर करता है, पेनिस का लास्ट लोकेशन यहीं तक पहुंचता है और यहाँ पर स्पर्म छोड़ देता है, यहाँ से स्पर्म को खुद ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। वो लिक्विड सीक्रेट होता है, फीमेल में भी क्या होता है, लिक्विड वो सीक्रेट होता है जिसको सीमेन के नाम से जानते हैं मेल में, वैसा ही लिक्विड कुछ इसमें भी सीक्रेट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, और सीमेन में ही क्या होता है, सीमेन में तो ऑलरेडी लिक्विड मौजूद है,
वो लिक्विड के थ्रू क्या होता है, ये ट्रैवल करने लगता है। अब एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या होगा, रिलीज होगा, तो उस केस में क्या होता है, ये स्पर्म मूव करने लगते, कुछ स्पर्म इधर जाएंगे, कुछ स्पर्म इधर जाएंगे ना। तो होता क्या कि अगर दोनों में से कोई एक जो है, इसको हम लोग ओवरी कहते हैं, क्या कहते हैं, ओवरी, इस ओवरी में ही अनमेच्योर्ड एग्स मौजूद रहते हैं, और ये क्या होते हैं, हर 28 दिन पे एक एक जो होता है रिलीज करता है। अगर पहली बार ये किया तो दूसरी बार ये करेगा, फिर अगले मंथ में ये करेगा, फिर उसके बाद अगले मंथ में ये करेगा, ऐसा अल्टरनेट होते रहता है, ठीक है। तो जब मेच्योर होता है, एक अंडा रिलीज होता है तो यहाँ तक पहुँचता है, रिलीज होकर तब तक स्पर्म यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। मेल स्पर्म जो है वह यहाँ तक पहुँच जाता है, और यहाँ कुछ एक स्पर्म जो होते हैं, जब वो क्या होते हैं, संख्या कितनी संख्या होती है इनकी, मिलियंस होती है, तो आधा कुछ इधर जाएगा तो वो तब पहले ही बर्बाद हो गया गलत रास्ता जाने की वजह से। अब इधर भी कुछ आधा जा रहा है तो वो होगा क्या, यहाँ तक पहुँचेगा, पहुँचने के बाद से देखेगा कि मेच्योर एग मिला कि नहीं मिला। अगर वो मेच्योर नहीं हुआ होगा या एग्स रिलीज नहीं हुआ होगा फीमेल में, ये भी क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही ऐसे स्टोर रहेगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, फिर जब अगली बार जब फीमेल में पीरियड्स आएगा तो उसको फिर ये बाहर निकल जाएगा। या एक और केस हो सकता है, फीमेल में जब ये एग्स मेच्योर हुआ, मेच्योर होने के बाद से ये रिलीज हुआ, तो अगर इसको स्पर्म नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये आकर यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा ये जो दिख रहा है इंडो मैट्रियम जो दिख रहा है, एक लेयर होता है, एक ब्लड का ना थक्का जम जाता है, ऐसे स्पंज की तरह हो जाता है, ताकि ये एग्स रिलीज होकर जब आए ना फर्टिलाइज होने के बाद से, तो इसको वो संभाल सके। लेकिन जब यही एग्स फर्टिलाइज होकर नहीं पहुँचता है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन समझता है, तो यही जो थक्का, खून का जो थक्का होता है, वही कुछ समय बाद क्या होता है, 3 या 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं, होते रहता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए बताते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद से कैसे प्रोसेस होता है। यहाँ पर फर्टिलाइज हुआ, सॉरी एग्स रिलीज हुआ, यहाँ से स्पर्म पहुंचा, और यहाँ से जो स्पर्म पहले पहुंच के इस एग्स को, एक ही एग निकलेगा सब में, निकले हुए एग को अगर फर्टिलाइज कर दिया तो उसका जो द्वार होता है, यहाँ से वो इंटर किया है, वो क्लोज हो जाएगा, पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। उसके बाद से कितना भी टक्कर मारेगा दूसरा स्पर्म, कुछ नहीं होगा, सब के सब वेस्ट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब वो क्या होगा, धीरे धीरे दोनों फर्टिलाइज होकर क्या बन गए, जायगोट बन गए। जायगोट बनते बनते ये दिनों ऐसे ट्रैवल करते करते यूटेरस तक जब पहुंचेंगे ना, ये ऑलरेडी पहले से तैयार होगा, कौन सा, एंडोमेट्रियम जो होता है, ऑलरेडी लेयर एक तैयार होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें एकदम उसको क्या होगा, एग्स है ना, समझ लो पानी का जो बबल्स होता है ना, बबल्स देखेगा तो जगह पे जाएगा तो नहीं फटेगा, लेकिन अगर दूसरा जगह पे जाएगा तो फट जाता है, होता है ना, वैसे ही इसको संभालने के लिए पहले से लेयर तैयार रहता है, तो उसको संभाल लेता है, धीरे धीरे क्या होता है, एम्ब्रायो चेंज होने लगता है फीचर्स में, फीचर्स के बाद से फिर क्या, और स्क्रीन्स बन जाता है, तो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, ठीक है। लेकिन वही जब फर्टिलाइज नहीं होता है तब क्या होता है, आपको पता चल गया, फर्टिलाइज नहीं होगा तो आएगा एग्स रिलीज होकर यहाँ तक ढूंढेगा, यहाँ तक भी ढूंढेगा, स्पर्म हमको मिल जाए, लेकिन जब नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इस वेस्ट के साथ 3-4 दिन बाद वो बाहर निकल जाएगा। पूरा समझ में आ गया। अब पॉइंट्स का नाम बताते हैं, ये इसको हम लोग ओवरी कहते हैं, या ओवरी कहते हैं इसको, ठीक है, या ओवम कहते हैं, वो सिंगुलर ओवम अलग चीज है, सिंगुलर ओवम अंडा को कहेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये जो होगा ओवम कहलाएगा, ठीक है ना। डक्ट का मतलब होता है पाइपिंगमा स्ट्रक्चर, तो ये फॉलोपियन ट्यूब्स जो है ये ओविडक्ट भी इसको बोल सकते हैं, और इसको हम लोग फॉलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, जो ये रास्ता होता है जिससे ट्रैवल करके जाता है, ये फॉलोपियन ट्यूब्स होता है, ये यूटेरस होता है जहाँ पर बच्चा बढ़ता है, बड़ा होता है, पेट, ये वाला हिस्सा देखते होंगे, अगर कोई प्रेगनेंट लेडी तो उसका पेट बाहर निकला रहता है, वो यहीं एरिया रहता है, ठीक है, ये वेजाइना जो है यहीं तक रहता है, ठीक है, आई बात समझ में सारा। अब इसके अलावा कोई चीज अगर पूछने ला के पूछ सकते हैं, दोनों फोटो हम एक साथ ला देते हैं, अगर आपको पूछना हो तो पूछ लीजिए। आज कुछ नहीं अगर पूछेंगे नहीं सारे पहुंचाने के लिए, बचाने के लिए क्या कर, नदी में फेंक दे रहा, नदी में पैसे वो
उलट चला जा रहा था। तो उस नदी लकड़ी का जो लट्ठा था यानी चंदन की जो लकड़ी थी उसको स्पर्म समझिए और नदी का जो पानी था उसको सीमन समझिए। तो स्पर्म को भी ट्रैवल करने के लिए एक फ्लूइड की जरूरत पड़ती है जो ये प्रोवाइड कराता है, इसमें नहीं दिखा रहा, ठीक है, सिग्नल ग्लैंड्स या जो भी होता है। और कोई पॉइंट, दोनों पॉइंट कैसे जानना है तो देखिए। अब यहाँ पे देखिए कैसे दिख रहा है, ये ओवम दिख रहा है आपको, एक एक से रिलीज हुआ है यहाँ से, ये निकल गया और यहाँ वाला हिस्सा दिखा रहे हैं आपको, ढेर सारे स्पर्म है, यहाँ से एक ही इंटर किया उसके बाद से क्या हो जाएगा, रास्ता पूरा बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, एकदम कवर अप हो जाएगा, उसके बाद से कोई इंटर नहीं करता है। उसके बाद से ये फॉलोपिन टिप्स होते हुए क्या होगा, फर्टिलाइज होने के बाद से जायगोट फॉर्म हो जाएगा, जायगोट कहलाएगा, और ये ट्रैवल करते 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 यूटेरस तक पहुँच जाएगा और साथ में वो डेवलपमेंट होता रहेगा। और चूंकि ये पूरा अंदर काम होता है इसीलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट कहते हैं। अरे न्यूक्लियस इंटर करता तो ऑलरेडी पूरा हिस्सा ही नहीं इंटर करता, कौन सा वही है, लेकिन नहीं एक ही मतलब सेंटर इंटर करता है, उसके बाद ये क्या करता है इसके साथ फर्टिलाइज होकर वो जायगोट फॉर्म कर लेता है और ये डेवलपमेंट प्रोसेस आ रहा है। और कोई पॉइंट, अब स्पर्म के बारे में आप लोगों को बताते हैं सारा चीज। स्पर्म, स्पर्म के तीन हिस्से होते हैं, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टिप होता है, ये टेल होता है जिसको जो मूवमेंट में हेल्प करता है, और बीच वाला जो हिस्सा होता है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस वाला जो प्रोसेस होता है वो सारा काम होता है, दिखाते हैं। ये न्यूक्लियस, ये एग्रोसोम होते हैं, ये मतलब किसी के अंदर होते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में आपको 12th क्लास में जाना है, यहाँ पे नहीं। ये वाला जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल होता है, यानी कहना होता है यहाँ पे एनर्जी स्टोर रहती है, ठीक है ना। और ये तेज जो होता है ये मूवमेंट में हेल्प करता है, देखते हो अगर पानी में तैर रहे तो पैर हिलाएगा तभी ना आगे बढ़िएगा, वही ये मूवमेंट में हेल्प करता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से समझते झिल्ली नुमा जो कमर होता है उसको कहते हैं। ये मिडिल पीस होता है, ये नेक होता है गर्दन, ठीक है, और ये हेड होता है। मतलब मैन्युअली अगर बात की जाए तो ये हेल्प करता है वहाँ तक मूवमेंट के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए यही होता है, लेकिन ये सब क्या होता है वेस्ट हो जाता है, मतलब वो उसी में कंपोज डिकम्पोज हो जाता है, मिक्स हो जाता है और कुछ नहीं होता है। ये बस इतना जो हिस्सा होता है ना मूवमेंट में हेल्प करता है और फर्टिलाइजेशन में मतलब ये भी लाके पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अगर ये नहीं रहेगा आप सोचेंगे कि नहीं ये इंटर करने के बाद सिर्फ ये इंटर करेगा तो इसको चाकू लेकर थोड़ी क्यों अंडा के पास खड़ा है, ये वाला हिस्सा काट कर बाहर कर देंगे, नहीं ये भी इंटर कर जाता है, ठीक है, भले बात ये डिकम्पोज होकर खत्म हो जाता है। और कोई पॉइंट जानने लगा हो गया बुक में, देखिए और कुछ पॉइंट जो बुक में पढ़िए, अगर कुछ जानने लगा और कुछ ना पूछिए।